भाइयों विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CAM कैम हार्वेस्टर ट्रैक कंबाइन। और दोस्तों आज मैं आपको कैम हार्वेस्टर के बारे में जानकारी दूंगा, कौन कौन सभी मॉडल आपको दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे आपको तीन मॉडल देखने को मिलेंगे। मैं पहुँचा हूँ पुणे एग्जीबिशन में और तीनों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक तो AC कैबिन में है, एक मिनी मॉडल है, छोटा मॉडल है, और एक जो कैम का रेगुलर मॉडल आ रहा है कैम राइलॉन्ग, और इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसके कटर की बात करें तो इसका जो आप कटर देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया कटर लगाया गया है। और कटर की सेटिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने नीचे सेटिंग के लिए इसको एडजस्ट करने के लिए आगे पीछे कटर को कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरी साइड आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, और इसमें जितने भी बात करें इसके बैरिंग की जो इसमें असेंबली लगी हुई है बहुत एक अच्छी और बढ़िया तकनीक से बनी हुई असेंबली है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग के लिए, फ़ैन की सेटिंग के लिए, उगर की सेटिंग के लिए, उगर को घुमाने के लिए, उगर को ऊपर नीचे करने के लिए आप देख सकते हैं। और इसके जो ब्लेड की स्टिप है वो भी आप देख सकते हैं, इसके जो ब्लेड की स्टिप है बहुत अच्छी और बढ़िया स्टिप दी गई है। और इसमें सिंगल ब्लेड है दोस्तों, और ऊपर उस एक अलग से आप जो नीचे से जो पैंडी होती है धान की फसल उसको ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे पत्ती दी गई है, ब्लेड की ऐसे दी गई है पिता, जो पैंडी होता है सीधा जो गीली फसल होती है सीधी उगर में जाए। और साइड में देखते हैं यहाँ पे आप जो फीडर है, बहुत फीडर दिया गया है यहाँ पे, जो फीडर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बढ़िया फीडर दिया गया है इसको खोलने की। इसके अगर आप चोक हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो चेक कर सकते हैं। और जो आपको ब्लोअर मिल जाता है फीड डस्ट को बचाने के लिए भी, कोई किसी तरह जो डस्ट होती है वो ड्राइवर पर ना पड़े। और तो पीछे से दिखाना चाहूँगा दोस्तों, पीछे से देख सकते हैं बढ़िया इसमें LED दी गई हैं, पीछे डबल लाइटें दी गई हैं, और डीजल टैंक का पीछे आपको देखने को मिलेगा। और जो बड़ा इंजन, जो इंजन है वो भी आप यहाँ पे पीछे देखने को मिलेगा। जो इसका उग्र होगा वो 360 डिग्री एंगल तक घूमता है, जो हार्वेस्टर देख रहे हैं वो तीनों दोनों पे आपको 360 डिग्री तक एंगल तक जो उग्र है जो घूमता है। और इसके रील की बात करिए, चैन की बात करिए, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें सिस्टम दे दिया गया है। और इसको टाइट करने के लिए, बेल्ट को टाइट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया गया है। और ऊपर चढ़ने के लिए बहुत बढ़िया सीढ़ी दी गई है, और सीढ़ी को छोटा बड़ा करने के लिए वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और बैठने के लिए ड्राइवर को सीट को आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, लाइटें मिल जाती हैं, और जे लीवर मिल जाता है इसको चलाने के लिए आगे पीछे करने के लिए, और ऊपर फैन मिल जाता है दोस्तों किसी तरह डस्ट ना पड़े। तो छतरी दी गई है बहुत अच्छी और बढ़िया। तो उसके बाद मैं आपको AC कैबिन में दिखाता हूँ, जो आप देख रहे हैं ये CAM कंपनी की AC हार्वेस्टर है। इस पर भी आपको ऊपर स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग की बात करें तो ऊपर लाइटें दी गई हैं, बहुत बढ़िया लाइटें दी गई हैं, और किसी तरह भूसा साथ में ना पकड़े तो यहाँ पर देख सकते हैं उसको बहुत बढ़िया कवर किया गया है। बढ़िया बेल करें यहाँ पर लगी हुई है, अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की लगी हुई है। और ब्लेड है दोस्तों, ब्लेड की जैसे सजावट मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई है वैसे ब्लेड दिए गए हैं इस पर, वही सेम इसमें है दोस्तों। और इसमें भी AC कैम दिया गया है, बहुत अच्छी है, 360 डिग्री तक उग्र जो घूमता है। और जैक को कटर को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हाइड्रोलिक जैक दिए गए हैं, और बढ़िया कंपनी की यहाँ पे बैटरी बॉक्स नीचे दिए गए हैं। तो JWD110 प्रो मॉडल है दोस्तों कैम का, जो एक नया मॉडल है, नई तकनीक से बना हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा बना हुआ है, और पीछे डीजल टैंक को बहुत बढ़िया कवर किया गया है, क्योंकि कभी पीछे करते करते डीजल टैंक का जो किसी टकराए ना और किसी इसको बैंड होने में किसी में दिक्कत ना आए, तो बहुत बढ़िया इसको कवर किया गया है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हाइड्रोल को उगर दिया गया है जो दाने को 360 डिग्री तक कहीं भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये मॉडल है कैम WD110 प्रो, और AC कैबिन में दोस्तों यहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत बड़े सिस्टम दिया गया है, AC कैबिन है, यहाँ पे बैठ के आसानी से बंदा हार्वेस्टर को चला सकता है। दोस्तों ये है कैम की स्टॉल,
अगर आप केम की हार्वेस्टर लेना चाहते हैं तो केम का हेल्पलाइन नंबर है जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप इन नंबर पर संपर्क कर इस हार्वेस्टर को ले सकते हैं। और मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, अगर आप कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे से रह गई होंगी तो आप यहाँ से वीडियो पॉज कर कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप पूरी इन तीनों हार्वेस्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लो जी दोस्तों, और ये छोटा मॉडल था, ये भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और जी तो इंडिया में अगर आप हार्वेस्टर लेना चाहते हैं तो इंडिया का जो एड्रेस रहेगा वो ये रहेगा, उड़ीसा प्लाट नंबर 1142, जय दुर्गा नगर, बोमीखल, बुढ़ेश्वर, कैम हार्वेस्टर। ये मोबाइल नंबर है उनका, ये आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और नई आ रही मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा द लब्बा यूट्यूब चैनल को यू सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।